Hi everyone, I am Riya and welcome to my channel Riya's Spiritual Remedies. अगर आपने मेरे अभी तक के वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वीडियोस को देख लीजिए, तो क्योंकि मैं आपके लिए हमारी लाइफ में जो डे ऑन डे बेसिस से जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनके सॉल्यूशंस लाने की कोशिश करती हूँ. तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू गिव लाइक एंड शेयर विद अदर्स ऑल्सो हु कैन गेट हेल्प. सो आज मैं आपको बताने वाली हूँ वो 7 सिचुएट्स जो आपकी हेल्प करेंगे जॉब पाने में. अगर आप एक फ्रेशर हैं, अगर आपको स्ट्रगल हो रही है जॉब मिलने में, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, ऑलरेडी जॉब में हैं और किसी बेटर अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में हैं, या आप ऑलरेडी बहुत टाइम से जॉबलेस हैं, तो ये सिचुएट्स आपकी हेल्प करेंगे आपको जॉब दिलाने में. मैंने बहुत सारे लोगों की टेस्टिमनीज पढ़ी हैं, सिचुएट्स के सक्सेस की, जिन्हें 1 से 2 वीक्स के अंदर जॉब बहुत जल्दी मिल चुकी हैं. तो इन सिचुएट्स को अगर आप भी यूज़ करते हैं तो आपकी भी लाइफ में मिराकल्स हो सकते हैं, क्योंकि लास्ट 5 ईयर्स में मेरी लाइफ में बहुत सारी हीलिंग टेक्निक्स को यूज़ करके मिराकल्स हुए हैं. और आज मैं आपको उन 7 सिचुएट्स बताऊंगी. उन 7 सिचुएट्स को यूज़ करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं. सबसे पहला तरीका हो सकता है कि आप उसे चैंट करें. सेकंड तरीका हो सकता है कि आप उसे एक ग्लास ऑफ वाटर लीजिए, उसमें 100 टाइम्स उन सिचुएट्स को चैंट कीजिए और वो पानी डेली पीजिए. थर्ड है कि आप राइट कीजिए, एक कॉपी ले लीजिए या डायरी ले लीजिए, उसमें डेली उन सिचुएट्स को 11 या 21 टाइम्स या 51 टाइम्स लिखना शुरू कीजिए. फोर्थ है कि आप एक पेपर पर उन सिचुएट्स को लिखिए और उनको अपने पिलो के नीचे रख लीजिए, सो दैट यू विल बी इन द एनर्जी फील. और जब आप सो रहेंगे तो वो सिचुएट्स आपके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत ईजिली जा पाएंगे. फिफ्थ टेक्निक है कि आप सिचुएट्स को लिख के अपने वॉल जहाँ आप सोते हैं उसके सामने आप स्टिक ऑन कर दीजिए. आप स्टिकी नोट्स का यूज़ कर सकते हैं, जो येलो कलर के जो स्टिकी नोट्स आते हैं उनको यूज़ कर सकते हैं, लाइक इस तरह के जो स्टिकी नोट्स होते हैं उस पर लिख के आप स्टिक कर सकते हैं. आप एक पेपर पे इन सिचुएट्स को लिखिए और उस सिचुएट को लिख के अपनी पॉकेट में रख लीजिए. दिन में 2 से 3 बार आप इन सिचुएट्स को देखिए, सो दैट यू विल बी इन द एनर्जी फील्ड ऑफ दोज सिचुएट्स एंड दो कैन क्रिएट द मिरेकल्स इन योर लाइफ. तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि वो 7 सिचुएट्स क्या हैं. सबसे पहला, आपको ये 7 सिचुएट्स नहीं यूज़ करने हैं, आपको इनमें से कोई एक ही सिचुएट यूज़ करना है, उसी को चैन करना है या फिर उसी को लिखना है. ये 7 ऑप्शंस हैं आपको, आप इनमें से कोई भी सिचुएट यूज़ कर सकते हैं. तो चलिए लेट्स गो. नंबर 1 सिचुएट है क्रिस्टल गॉड्स वुल्फ हेल्प काउंट जॉब डन नाउ. क्रिस्टल गॉड्स वुल्फ हेल्प काउंट जॉब डन नाउ. ये काउंट जो होता है वो बेसिक सिचुएट है. किसी भी अगर आप जॉब को ढूंढ रहे हैं या आपको मनी रिलेटेड प्रॉब्लम है तो इस केस में काउंट एक बेसिक सिचुएट होता है. काउंट इसलिए क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड काउंट वर्ड को बहुत ही आसानी से समझता है. लाइक आपने देखा होगा अकाउंटेंट, तो जब भी हम अकाउंटेंट बात आते मीन्स समथिंग रिलेटेड टू मनी, तो दैट जॉब इज रिलेटेड टू मनी. सेम तो इस तरह से जो है आप हमें, जैसे हमारे पास जब भी मनी आती है तो सबसे पहले एक टेंडेंसी क्या होती है, ह्यूमन टेंडेंसी, कि हम काउंट करते हैं, वी स्टार्ट काउंटिंग द मनी. सो काउंट एक ऐसा सिचुएट है जिसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही इजीली एक्सेप्ट करता है. तो फर्स्ट सिचुएट है आपका क्रिस्टल गॉड्स वुल्फ हेल्प काउंट जॉब डन नाउ. सेकेंड जो है क्रिस्टल आपका जो होता है वो क्लियर क्लैरिटी के लिए है. वुल्फ इज़ अ एनिमल जो आपकी हेल्प करेगा जॉब ढूंढने में. एंड रेस्ट ऑफ द सिचुएट्स मीन्स हेल्प, अभी वुल्फ की हेल्प चाहिए. काउंट इज अ सिचुएट फॉर मनी. जॉब इज योर टारगेट कि आप क्या चाहिए. डन मीन्स अभी हो जाए, नाउ डन नाउ. सो नाउ द सेकेंड सिचुएट इज टुगेदर फाइंड डिवाइन जॉब काउंट नाउ. दिस इज ऑल्सो फाइंड मीन्स रिसर्च, डिवाइन की हेल्प से आपको जॉब मिल जाए ताकि आप जिस सर्च में हो आपकी सर्च एंड हो. थर्ड इज अ क्वाइट एंड गो क्लियर एंड ब्रिंग टेक जॉब काउंट नाउ. दिस इज द थर्ड सिचुएट. फोर्थ इज गो
be ridiculous, act divine, job count now done. This is the four situated. Fifth is the star of Bethlehem, ruby, find divine, job count now done. Star of Bethlehem is a batch remedy जो डॉक्टर बैच ने डिस्कवर की थी और रूबी इज अ जेम रेमेडी, रूबी इज अ स्टोन. सो स्टार ऑफ बेथलेम एंड रूबी बोथ हैव अ टेंडेंसी टू ब्रेक द थिंग्स. सो जो अभी तक आपकी लाइफ में एक मोनोटोनी थी, एक प्रॉब्लम्स थी, वो ब्रेकआउट नहीं हो रही थी, आपकी लाइफ में मूवमेंट नहीं आ रहा था, उसको ये ब्रेक करेगा. अगर आप बहुत टाइम से जॉब ढूंढ रहे थे और आपको जॉब नहीं मिल पा रही थी तो उस चीज़ को ये ब्रेक करेगा. अगर आप जॉबलेस सिचुएशन में हैं बहुत टाइम से तो ये आपके जॉबलेस सिचुएशन को कन्वर्ट करेगा. अगर आपको बहुत सारे ऑफर्स नहीं आ रहे हैं, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप बेटर अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं तो ये आपकी हेल्प करेगा एक बेटर अपॉर्चुनिटीज को लाने में. सिक्स्थ इज अ रिलीज रेसिस्टेंस, फाइंड डिवाइन ऑर्डर, काउंट नाउ डन. Now why the release resistance? जब भी हम हमारी लाइफ में कोई भी मंत्रा, स्विच वर्ड्स, बैच फ्लावर रेमेडीज या कोई भी हीलिंग टेक्निक्स काम नहीं करती हैं, इट मीन्स कि कोई कुछ ब्लॉकेजेस हैं हमारी लाइफ में, कुछ ऑब्स्टेकल्स हैं, उनको रिलीज करने की ज़रूरत है. वो मे बी हमारे थॉट प्रोसेसेस हों, हमारे बिलीफ पॉइंट्स हों. तो अगर हम किसी भी सिचुएट के आगे या किसी भी मंत्रास के आगे या किसी भी बैच फ्लावर रेमेडीज के आगे रिलीज रेसिस्टेंस वर्ड का यूज़ करते हैं तो वो हमारी लाइफ में वर्क करना शुरू कर देते हैं. बहुत बार ऐसा हो सकता है कि आपको ये लगे कि ये सिचुएट्स या मंत्रास या बैच फ्लावर्स आपकी लाइफ में वर्क नहीं कर रहे हैं, उस केस में आप रिलीज रेसिस्टेंस ऐड कर सकते हैं. और ये मैंने बहुत बार अपने फादर से करवाया है क्योंकि उनका क्या है, बहुत ओल्ड एज हो गया है तो इतने सालों से उनकी लाइफ में बहुत सारे मिथ्स होंगे, बहुत सारे बिलीव्स हैं जिसे वो स्टेटोफाइड टाइप से ब्रेकआउट नहीं कर पा रहे हैं. तो बहुत बार मैं उनको ये यूज़ कराती हूँ. तो रिलीज रेसिस्टेंस, फाइंड डिवाइन ऑर्डर, काउंट नॉट डन. अगर आपको बहुत टाइम से जॉब नहीं मिल पा रही है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं. नो सेवन इज आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, ओपन सेव डिवाइन डिलाइट, काउंट नाउ डन. आई एम सॉरी, आई एम रिपीटिंग इट अगेन. आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, ओपन सेव डिवाइन डिलाइट, काउंट नाउ डन. इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सिचुएट बिकॉज वी हैव टू बिल्ड अ एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड. जो हम लोगों ने बहुत बार सुना होगा, आपने अगर द सीक्रेट मूवी देखी होगी या द सीक्रेट बुक पढ़ी होगी तो उसमें बार बार इस बात के लिए एम्फेसिस किया गया है कि हमें एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड अपनी लाइफ में अपनाना चाहिए सो दैट वी गेट मोर इन अवर लाइफ एंड वी गेट मोर मिरेकल्स इन अवर लाइफ. सो आई एम सॉरी इज़ अ काइंड ऑफ एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड के लिए आपको की तरफ ले जाएगा और इट विल हेल्प द डिवाइन, यू विल गेट द डिवाइन हेल्प सो दैट यू विल गेट द जॉब्स. सो दीज आर द सेवन सिचुएट्स. इफ यू विल स्टार्ट यूजिंग इट यू विल गेट द मिराकल्स इन योर लाइफ. आई स्ट्रिक्टली रिकमेंड यू ऑल, इफ यू आर फर्स्ट टाइम यूजिंग दिस सिचुएट्स एंड ऑल, इट इज़ द बेस्ट वे टू स्टार्ट राइटिंग because it is not easy to accept the things as easily if you are new. So if you write, because I love to write lot, I love writing situates, mantras and all, so whenever I get the time, whenever I have certain intentions, I used to write it for at least for a certain days so that they will be a part of my subconscious minds, my thinking process. So usse results zyada easily mujhe mile hain. I always recommend you all to please start writing at least 11 or 21 times a day daily. इतना लिखिए, results ज़रूर आएंगे. मैंने बहुत सारे लोगों की testimonies पढ़ी हैं, लोगों को results मिले हैं. ये situations मेरे खुद के नहीं हैं, ये मेरी गुरु जी के दिए हुए हैं. I am just sharing his knowledge to you all and I want to say million thanks to him क्योंकि last 5 years से मैं बहुत सारी healing techniques use कर रही हूँ और मेरी life में बहुत miracles हुए हैं. So वॉच इट. माई नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो है किस तरह से आप कौन से सिचुएट्स, कौन से मंत्रास यूज़ कर सकते हैं जॉब के लिए,
कौन सी मुद्रा आप यूज़ कीजिए जो जैसे आपको जॉब मिले, इस तरह से कौन सी बैच फ्लावर रेमेडीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। सो मेरे कमिंग वीडियोस में मैं आपको वो बताऊंगी कि कौन से मुद्राज मंत्राज एंड बैच फ्लावर रेमेडीज़ आप यूज़ कीजिए। देन इन माई कमिंग वीडियोज़ आई विल ऑल्सो टेल कि जॉब मिलने के बाद जब आपका रिज्यूमे सेलेक्ट हो जाता है तो इंटरव्यू क्वालिफाइज करने के लिए कौन से मंत्राज एंड बैच फ्लावर रेमेडीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद माई चैनल, आई विल ब्रिंग मोर एंड मोर यूजफुल वीडियोज़ फॉर all of you, and thanks for watching. Bye bye, take care all of you.